अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हमारे लेक्चर वन का आगाज़ हो गया है उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सीसीटीवी के मुताल्लिक ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी और इसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक्स जो है ना बड़े तरतीब से रखे हैं। इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि जो है ना जो एक ऐसा बंदा जिसको सीसीटीवी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो इन दी एंड जब वो इस सीरीज़ के बाद जब वो एनालाइज करेगा ना, तो मेरी कोशिश यही है कि वो बिल्कुल ही फील्ड के हवाले से तैयार हो जाए। लाइक उसको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी आना चाहिए। लिहाजा मैं आपको यहाँ तक इसी लेक्चर में मैं यहाँ तक आपको बताऊँगा कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करना होता है वायरलेस कैमरे के या अदर दूसरे कैमराज जो होते हैं, DVRs के ऊपर कैसे काम होता है, NVRs के ऊपर कैसे काम होता है। तो यहीं से इंशाल्लाह ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स के आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि NVRs के अंदर क्या ऑप्शन होते हैं, कैमराज कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है जी, बस आपने जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ ना, आपने उसी तरीके से ही चलना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग जी सीसीटीवी से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि टेलीविज़न क्या होता है। टेलीविज़न क्या होता है? टेलीविज़न बेसिकली दो जो है कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक कहलाता है जी टेली, एक कहलाता है जी विजन। टेली कहते हैं दूर को और विजन कहते हैं देखने को। लिहाजा कोई एक ऐसी डिवाइस जो आपकी दूर की चीज़ को दिखाने की काबिलियत रखे उसको हम टेलीविज़न कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको टेलीफोन की मिसाल देता हूँ। दो ऐसे दूर के बंदे जो आपस में एक दूसरे की वॉइस सुनने की सुन सकें उसको हम टेलीफोन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं जो डिस्टेंट हों, ठीक है, उनकी उस डिस्टेंस को वो कम करें, लाइक वो टेली कम्युनिकेशन कहलाती है आपकी। ठीक है जी, तो इसी तरीके से टेलीस्कोप भी होता है। आप इससे आपको पता है कि आप इसे जूम करके चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो टेलीविजन समझ में आ गया। दूर की जो वीडियो सिग्नल्स हैं उसको वो कैच करके आपको जो है ना दिखा रही होती है, इसको हम कहते हैं टेलीविज़न। ठीक है जी, तो टेलीविज़न समझ में आ गया। इसकी दो टाइप्स होती हैं जी, एक कहलाती है जी ओपन सर्किट, एक कहलाती है जी क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो ओपन सर्किट होती है ना, ये ओपन सर्किट यहाँ पे आपने ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट दे रही है। लाइक आपका जो जैसे टेलीविज़न जो आपका टीवी स्टेशन होता है वो क्या कर रहा होता है, वो इस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। उसकी कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं होती, वो सिंपल ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग के जो है, हम लोग एरियल लगा लेते हैं या हम लोग एंटीना लगाते हैं या कोई भी रिसीविंग इक्विपमेंट लगाते हैं और हम उस ओपन सिग्नल को कैच करके हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं लाइक। ठीक है ना जी, टीवी के ऊपर। तो वीडियो सिग्नल की ट्रांसमिशन हो, ब्रॉडकास्ट हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, आप इसकी मिसाल ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपने जैसे कोई नया नया अगर आपने वायरलेस कनेक्शन लगाया अपने घर पे और आपने उसके ऊपर कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया, तो क्या होगा? ओपनली हर कोई यूज़ कर रहा होगा। जिसको भी उसकी आपकी SSID मिलेगी वो फ़ौरन ही यूज़ करना शुरू कर देगा। सेम इस तरीके से ओपन सर्किट भी यही है कि टीवी स्टेशन ने क्या काम किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट जिस जिसने कैच करना है जी कैच कर ले, जिस जिसने नहीं करना जी ना करे, कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है? सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविज़न को हम लोग सीसीटीवी कहते हैं जी। सीसीटीवी क्या होता है? इसके अंदर एक क्लोज सर्किटरी काम कर रही होती है। वो क्लोज सर्किटरी क्या करती है? वो स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को वीडियो दिखा रही होती है। इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही है कि ओपन सर्किटरी जो ओपन सर्किट टेलीविज़न है ना, जिसको हम सिंपल स्टैंडर्ड आप टेलीविज़न कह रहे होते हैं, वो आपकी इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जबकि क्लोज सर्किट टेलीविज़न आपकी सर्वेलियंस सिस्टम के लिए यानी आपकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, तो ये ओपनली ट्रांसमिट नहीं करता आपकी पब्लिक के लिए, क्लोज सर्किट। ठीक है जी, अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ आप ये देख लें कि जो ओपन सर्किट जो होता है ना वो वायर्ड बेस्ड होता है, जबकि क्लोज सर्किट वो वायर्ड बेस्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। कभी आपने ऐसा सुना है कि आपका टीवी जो है ना वो वायरलेस है? नहीं सुना। तो क्लोज सर्किट में ये होता है कि आपने जो कैमरा लगाया है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो क्लोज सर्किट जो रेफर कर रही है ना, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को कर रही है। यहाँ पे क्लोज से मुराद क्या है? एक खास बंदे या एक खास लोगों तक ही ये वीडियो जाएगी, ये पूरी दुनिया नहीं देख रही होगी। ठीक है ना, ये आपके कोई पड़ोसी भी नहीं देख रहा होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो है ना ये हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जब कभी भी हमने करनी होती है हम क्लोज सर्किट टेलीविजन यूज़ करते हैं, और जब हमने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम ओपन सर्किट यूज़ करते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि सर कि मैंने क्लोज सर्किट तीन मॉनिटर पे देख रहा हूँ, तो ये तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो गई। तो आप अगर एक रीजन देखें, अगर आपने लाइक एक ही घर के अंदर तीन कंप्यूटर्स में देख रहे हैं, तो फिर भी ये इन द सेंस आप ये समझ लें स्पॉट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट ही कम्युनिकेशन हो रही है। लाइक अगर टीवी स्टेशन से एक चीज़ निकल रही है तो फिर वो गुलशन में भी जा रही है, वो जो है ना किमाड़ी में भी जा रही है, वो जो है ना गुलस्तान-ए-जौहर में भी जा रही है, तो फिर ये क्या है भला? ये पॉइंट
पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तीन डिफरेंट लोकेशंस में जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट आपने पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट यहीं पे लेना है कि अगर आपका सीसीटीवी एक घर में लगा हुआ है तो उसी घर में आप 10 कंप्यूटर पर लगा लें, 20 कंप्यूटर पर लगा लें, मगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो फिर वो एक ही जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है जी। अच्छा आगे हम ये भी देखेंगे कि हम रिमोटली एक्सेस करा लेते हैं, कोई बंदा दुबई से बैठा हो तो वो भी चेक कर रहा होता है, मगर वो हम खुद उस सर्किटरी को एक्सटेंड करते हैं, उस क्लोज सर्किटरी को एक्सटेंड करते हैं, वो काम वही कर रहा होता है, उसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि क्लोज सर्किटरी होती है जी, कैमरे ने कैप्चर किया, उसने अपने डीवीआर को भेज दिया, मतलब अपने रिकॉर्डर को भेजा, रिकॉर्डर ने क्या काम किया, मॉनिटर पर डिस्प्ले करा दिया, सिंपल। अब आप आगे फर्दर नेटवर्किंग के थ्रू वो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। उसके कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाना है, वो बाद का टॉपिक है, उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई जी एक ले मैन की डेफिनेशन के क्लोज सर्किटरी क्या होता है, ये जी स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को दिखा रहा होता है। अच्छा जी उसके अलावा क्या होता है, ये वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है, ठीक है जी। ये डेडिकेटेड डेडिकेटेड सर्किटरी होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के पास जाऊँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन ऐसी होती है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इस सर्किटरी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तभी वो एक ऐसा सर्किट बना रहे होते हैं जिसको हर कोई बंदा नहीं देख सकता, समझ गए। तो इसके अंदर सर्किटरी, इस सर्किटरी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपस में कनेक्टेड होते हैं तभी वो एक क्लोज नेटवर्क बना रहे होते हैं, क्लोज सर्किट बना रहे होते हैं, ठीक है जी। यही वजह है कि अगर आपने किसी घर में सीसीटीवी लगाया तो वो उसी घर का ही बंदा देखेगा, वो कोई बाहर का पड़ोसी भी नहीं देख सकता, तो दुनिया तो छोड़ ही दें, ठीक है जी। तो उसके अलावा आप इन शॉर्ट और मजीद डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो फिर ये देख लेंगे, क्लोज सर्किट हम एक ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसके अंदर कैमरा, मॉनिटर और रिकॉर्डर, इन तीनों के दरमियान वीडियो घूम रही होती है और इन्हीं तीनों के दरमियान ही सर्किटरी चल रही होती है, ठीक है। कैमरे ने बेचारे ने भेज दिया रिकॉर्डर को, रिकॉर्डर ने फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले करा दिया, और बस यही कि जितने जितने कैमराज हैं वो सबके सब रिकॉर्डर को भेजेंगे, रिकॉर्डर क्या करेगा, मॉनिटर को दिखाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई तीसरी सर्किटरी नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लोज सर्किटरी, ठीक है। अच्छा किसके जरिए दिखा रहे होंगे, एक केबल के जरिए दिखा रहे होंगे या वायरलेसली दिखा रहे होंगे, ठीक है जी। ये जो इन तीनों के दरमियान की मैंने बात की ना, इसलिए मैंने इसको कहा, ये देखें जी क्लोज्ड एक नेटवर्क बन रहा है ना, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा जी अब हम लोग एक, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी वांट फ्रॉम आवर सिस्टम। तो देखें जी टेक्नोलॉजीज आ गई, इसके बावजूद के टेक्नोलॉजीज आई, डिजाइनिंग हुई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई सीसीटीवी की, मगर आज भी कुछ ऐसे नंबर ऑफ इश्यूज हैं जिनको हमें डायरेक्ट, जिनको हमें हर कंडीशन के ऊपर एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि आखिर आप अपने सिस्टम से क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। कि इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, डिजाइनिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, मगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज भी हर कंडीशन के अंदर जो है ना एड्रेस करनी पड़ती हैं सीसीटीवी के हवाले से। तो उनमें से पहली चीज़ ये है कि आखिर आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने सिस्टम से, तो आपके पास उसके कुछ पॉसिबल आंसर्स आएंगे, वो पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, यही आपका पर्पस भी है सीसीटीवी का। अगर आप किसी लेमैन से पूछते हैं ना कि जी आपका पर्पस क्या है सीसीटीवी का, तो वो कहता है जी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, जी तो लेमैन का हो गया। मगर एक एज अ टेक्निकल, एक इंजीनियर का आंसर क्या होना चाहिए जी, वो पांच पॉसिबल आंसर्स हैं जी, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन। मॉनिटरिंग क्या होती है, तो आपका जो आंसर होगा ना, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो है ना कि जो आप अपने सिस्टम से क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो सीसीटीवी लगाने का मकसद ये पांच है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। अब देखते हैं ये पांच है क्या चीज़। मॉनिटरिंग क्या होती है, लाइक क्लास का बच्चा है, उसको मैंने बना दिया कि जहाँ मॉनिटर है वो मॉनिटर कर रहा है, पूरी क्लास को देख रहा है, ये मॉनिटरिंग हो गई। लाइक अगर आपके सामने कोई वीडियो चल रही है और 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, एक मॉनिटर के अंदर 6 सीसीटीवी कैमरा आ रहे हैं और आप उन 6 के 6 को देख रहे हैं, या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, अगर आपने एक एक वीडियो को या एक कैमरे के अंदर जाके देखना है कि क्या हो रहा है, तो फिर आपने एक सिलेक्शन कर लिया, आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप उन 6 के 6 कैमरास को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स या कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो है ना, वो आपकी कंट्रोलिंग कहलाती है, कि किसके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन। अब डिटेक्शन क्या होता है, देखें जी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैदान है, ठीक है, मैंने कहा जी इसको आपने मॉनिटर करना है, आपने उधर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और आपने कंट्रोलिंग डिवाइसेस रख लिया, आपको ये पता है कि जी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इस पूरे मैदान को, ठीक है, मैं इसके ऊपर नजर रखा हुआ, डैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, किसके जरिए कर सकता हूँ, इन डिवाइसेज के जरिए कर सकता हूँ, डैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। डिटेक्शन क्या होती है, आपको ये पता चलता है शाम में कि यार इस पूरे ग्राउंड में ना ये कोना है ना, ये जो एक्सट्रीम राइट है, इधर कुछ हुआ है, आज कुछ हुआ है। अच्छा जी क्या हुआ है, ये जो कुछ होने का नाम है ना, जब आपको पूरे एरिया को छोड़ के आपको एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ शक सा हुआ कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ हुआ है, डेट इज कॉल्ड डिटेक्शन।
क्या अगर आपको ये पता चल जाए अपनी क्लास के अंदर कि 30 बच्चे हैं, मगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि किसने चीटिंग की है, किसने की है ये तो छोड़ दें, मगर किस हिस्से में चीटिंग हो रही है ये चीज़ पता चल जाए, डेट इज़ कॉल्ड डिटेक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आपको ये चीज़ पता चल गया कि किस हिस्से में हो रही है, अब आपने उसके सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, क्लोज लुक लेना शुरू कर दिया कि यार ये हो क्या रहा है आखिर, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा जब आप पहली दफ़ा कुछ सरगोशी करते हैं ना इम्तिहान के अंदर, तो फिर आपने देखा होगा टीचर आपको सिर्फ हल्का सा देखता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आया जो मैंने नज़र मारी है वो सही भी है कि नहीं, तो वो पहले डिटेक्ट करता है आपको, इतने सारे बच्चों में डिटेक्ट कर लेता है, हाँ मेरे ख्याल है यहीं से शोर की आवाज़ आई है तो फिर यहीं होगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन आपके चेहरे को देख रहा होता है, आपके ऊपर आपके एटीट्यूड को देखना शुरू कर देता है, तो फिर वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जब उसको इस बात की यकीन हो जाता है कि कौन इंडल्ज है इस चीटिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन, उसने आइडेंटिफाई कर लिया हाँ जी आप ही हैं, समथिंग इज हैपनिंग इज कॉल्ड डिटेक्शन, सही है ना। एविडेंसेस आपने इकट्ठे करने शुरू कर दिए और टेकिंग अ क्लोज लुक, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और हु इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज, और कौन उसके कौन उस एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस था, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। तो जब कभी भी आपसे कोई भी ये चीज़ पूछे कि पर्पस क्या है सीसीटीवी का, तो आपने बताना है उसे मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, डिटेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है जी। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ आपको कि सीसीटीवी वो टेलीविजन क्या होता है, मैंने आपको बताया टेलीविजन, टेली और विजन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, टेली दूर को कहते हैं, विजन देखने को कहते हैं, कभी भी आपका अगर कोई भी दूर की चीज़ को देख सकें उसको हम टेलीविजन कहते हैं। और फिर एक ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, ओपन सर्किट हम ब्रॉडकास्ट को कहते हैं, लाइक अगर आपका जैसे टीवी स्टेशन है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, आपके जो एफएम है वो क्या कर रहा है, वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वो भी हो गया, मगर हम यहाँ पे वीडियो के हवाले से कर रहे हैं जिसकी आप वीडियो भी सुन सकें, तो इसलिए हम लोग ने ओपन सर्किट टेलीविजन का कह दिया, ठीक है जी। एक क्लोज सर्किट टेलीविजन भी होता है, क्लोज सर्किट में क्या होता है, डेडिकेटेड सर्किटरी लगी हुई होती है उसके अंदर, कि इस सर्किट के अंदर तमाम कंपोनेंट्स आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी ये जो है ना एक खास पाथ को फॉलो करते हैं, ये ओपनली नहीं होते, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है जी। स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के पास ये वीडियो टर्मिनेट हो रही होती है, ठीक है। अगर किसी ने अपने घर में कैमरा लगाया तो सिर्फ उसी को पता चल सकता है कि उसके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो पड़ोसी नहीं देख सकता आके इसी तरीके से, ठीक है जी। तो ये जी समझ में आ गई, फिर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने जो है ना सीसीटीवी को लगाया जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी, आखिर देखें जी, जब आप ये आंसर देते हैं ना जी मुझे इस तरह के कि मॉनिटरिंग चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन और ये डिटेक्शन रिकग्निशन वगैरह होनी चाहिए, अच्छा ये जो मैंने सीक्वेंस बताई है इसको आपने इसी तरह से रखना है, आगे क्यों रखना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप मॉनिटर ही करते हैं, फिर आप कंट्रोलिंग में आते हैं, फिर आप उसके बाद रिकग्नाइज कर सॉरी डिटेक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो है ना रिकग्नाइज करके आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जी, समझ में आ गई। अब वो आखिर ये जो आपका आंसर जब आप देते हैं ना, ये जो 5 फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं आपके, तो फिर इसके ऊपर ना आपका टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो है ना वो इफेक्ट करता है। लाइक अगर किसी ने ये कहा कि नहीं भाई मुझे सिर्फ ऑडिट के लिए चाहिए, आप सीसीटीवी लगा दो ताकि बस मैं एक फॉर्मेलिटी उनको दिखा सकूं, तो आप जाहिर बात है आप हाई फाई कैमरा नहीं लगा के देंगे उसे, आप हाई फाई सिस्टम नहीं लगा के देंगे उसे। मगर अगर कोई ये कहता है नहीं यार ये मैं सोने का कारोबार कर रहा हूँ, तो जी भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये आप उसको हाई फाई सिस्टम लगा के दोगे, आप उसको बड़ा पावरफुल कैमराज लगा के दोगे जो जूम लेंस कर जो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, कलर कैमराज वगैरह लगा के दोगे, ठीक है जी। तो ये आंसर ही आपका इफेक्ट कर रहा था आपके टाइप ऑफ इक्विपमेंट में। अब देखें जी, बहुत सारे शुरू में ऐसे फैक्टर्स थे, इंसान कंफ्यूज हो गया कि भाई कितने सारे फैक्टर्स में देखूं कि डिजाइनिंग करनी हो और मुझे बजटिंग करनी हो, जब मुझे डिजाइनिंग और बजटिंग करनी हो तो फिर मैं किन किन फैक्टर्स को अपनी नजर में लेकर आऊं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। तो कम्यूटेटिवली मतलब आप ये समझ लें कि आप ये समझ लें कि जो है ना उन सारों का मजमुआ हमने निकाला है कि यार कौन से ऐसे फैक्टर्स निकाले जाएं जिसके अंदर ऑलमोस्ट 99% सारी बातें कवर हो रही हो। तो जी फैक्टर्स कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए, उसके 5 फैक्टर्स निकालेगा। पहला क्या है जी, इमेज क्वालिटी। पहला आ गया जी इमेज क्वालिटी, कि इमेज क्वालिटी आप क्या हासिल करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड इमेज क्वालिटी, आप आखिर इमेज क्वालिटी कैसी चाहते हैं, बहुत अच्छी चाहते हैं, सही चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, या बस बिल्कुल एम ही चाहते हैं, ठीक है जी। इमेज क्वालिटी पहला फैक्टर हो गया। दूसरी क्या होगी, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का आपका साइज क्या होना चाहिए। अब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लाइक अगर मैंने देखा कि एक पार्किंग
एक पार्किंग लॉट है, उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मगर मैंने कहा कि जो है ना मेरे सिर्फ ये दो गाड़ियों को जूम करना है, क्यों? क्योंकि ये कि मेरी है और एक मेरे दोस्त की है, तो फिर ये क्या हो गया, ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो गया। पूरे एरिया को छोड़ के जो मैंने जिस पर्टिकुलर एरिया की बात की वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उसका मुझे साइज क्या रखना है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होना है। तीसरी चीज हो गई जी लाइटनिंग कंडीशंस। लाइटनिंग कंडीशंस में क्या होता है, देखिए जी, सबसे पहली बात, जिस तरीके से आपकी आंख के अंधेरे में देख सकती है, नहीं देख सकती, इसी तरीके से कैमरा भी अंधेरे में नहीं देख सकता, उसको लाइट चाहिए है, लाइट होगी तो ही देखेगा, वरना अदरवाइज नहीं देख सकता वो, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडीशन आपने चेक करनी है, एडिक्वेट लाइटनिंग कंडीशन मौजूद है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर आप बताएंगे कि जी सप्लीमेंटल लाइट रिक्वायर्ड है उधर, ठीक है। आप किसी जगह जाते हो और आप ये कहते हैं कि जो है ना वहाँ पर लाइट ही नहीं है, तो फिर आप कहेंगे भाई पहले लाइट तो लगाओ फिर मैं कैमरा लगाऊंगा, ठीक है जी। तो लाइटनिंग कंडीशंस भी आपने चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथी चीज़ होगी जी इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, आप जी कैमरा लगाना चाह रहे हैं, आप कैमरे भी दो तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है। अब देखिए जी, इंडोर अगर है तो जी कोई मसला नहीं है, अगर आउटडोर है तो जाहिर बात है उसको मिनिमम वेदर प्रूफ तो होना चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन बताइए। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जो है इंडोर क्या है आउटडोर क्या है। तो इंडोर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के अंदर आपने कैमरे की टाइप चेक करनी है कि इंडोर है कि आउटडोर है, अगर आउटडोर है तो मिनिमम वेदर प्रूफ तो हो, क्यों? क्योंकि डस्ट हो गया, स्टॉर्म, सैंड, डस्ट, स्नो, रेन, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना उसके लिए लाजमी है। पांचवी चीज़ हो गई जी पावर सोर्स। पावर सोर्स हो गई, ठीक है जी। अब आपको ये पता चले कि जो है ना आपने पूरा कैमरा लगा दिया और आपको ये पता चले जी यहाँ तो पावर है ही नहीं, तो ये तो बड़े मसले की बात हो जाएगी ना, ठीक है जी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको जो है ना कुछ केबल से रिलेटेड बता दूँ, चले वो मैं आखिर में ही बताऊँगा आपको, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि बजटिंग और डिज़ाइनिंग के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। पांच फैक्टर्स को हम देखते हैं, अगर जब भी हम बजटिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं, एक कहलाता है जी इमेज क्वालिटी, एक कहलाता है जी साइज़ क्या होना चाहिए आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का, तो लाइटिंग कंडीशंस, लाइटनिंग कंडीशन लाइक एडिक्वेट लाइट मौजूद है कि नहीं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इंडोर है आउटडोर है, और पावर सोर्स। पावर सोर्स भी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स के ऊपर जाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। तीन तरह के हमारे पास कैमराज होते हैं, अब तीन तरह के हो गए, वैसे तो दो होते थे, एक कलर कैमरा होता था, एक मोनोक्रोम कैमरा होता था, ठीक है। अब आजकल डे नाइट कैमरे भी आ गए, तो बस यही तीन ही तरह की कैमरे, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दो कैमराज थे, अभी डे नाइट को भूल जाएं, कलर कैमरा। अगर आपको कभी भी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीन रिक्वायर्ड हो, लाइक अगर आपको हर चीज़ ही विजिबल चाहिए और कलर में चाहिए कि ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर में देखे, वो रेड है तो रेड कलर दिखाए, मतलब पूरी ओरिजिनैलिटी दिखाए पिक्चर की, तो फिर आप क्या करते हो, आप कलर कैमरा यूज़ करते हो, ठीक है जी, आप कलर कैमरा यूज़ करते हो। और जब कभी भी आपने रेजोल्यूशन ज़्यादा रखनी हो तो फिर आप मोनोक्रोम कैमरा यूज़ करते हो, या डिटेल ज़्यादा रखनी हो तो फिर आप मोनोक्रोम कैमरा यूज़ करते हो। मोनोक्रोम क्या होता है, मोनो कहते हैं एक को, क्रोम कहते हैं कलर को, तो एक कलर वाला कैमरा। एक कलर वाला कैमरा कौन सा होता है जी, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता है। तो जब कभी भी कोई आपसे कहे ना जी ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है तो वो मोनोक्रोम कहलाता है आपका, ठीक है जी। अब मोनोक्रोम के लिए मैंने ये क्यों कहा कि जी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, डिटेल ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट के अंदर लाइट्स मौजूद होंगी तो कलर कैमरा देखेगा, अब उसके अंदर लाइट है ही नहीं तो कलर कैमरा देख ही नहीं पाएगा। जबकि मोनोक्रोम कैमरे के लिए, यानी मोनोक्रोम कैमरे के लिए अगर मैं देखूं, या ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे की मैं बात करूं, तो उसके अंदर क्या है, उसको ना दिन में कलर्स चाहिए ना रात में कलर्स चाहिए, तो वो दोनों टाइम ही देख सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे रात में कैसे देखेगा, तो रात में जी उसके लिए कुछ LEDs वगैरह आती हैं, वो मैं बताऊंगा, उसके लिए कुछ हम सर्किटरी लगाते हैं, उसके लिए कुछ छिछके कराते हैं, ठीक है जी। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, बस अभी आप ये सोच लें उसको कलर की जरूरत ही नहीं है, उसको आइडेंटिफाई थोड़ी करना है कि ब्राउन क्या है, रेड क्या है, येलो क्या है, ब्लू क्या है, ये तो कलर कैमरे को करना है। तो कलर कैमरे के लिए लाइटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी होना जरूरी है। और यही चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूं, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और कैमरा निकला जी, वो कहलाता है जी डे एंड नाइट। डे एंड नाइट कैमरा क्या होता है, अगर आपको दिन के अंदर कलर कैमरे के तौर पे काम कराना हो एक कैमरे को, और रात के अंदर मोनोक्रोम, क्यों? क्योंकि रात में जो है ना कलर्स नहीं होते, तो लिहाजा कलर कैमरा इतना अच्छा नहीं देख पाता, जबकि वो मोनोक्रोम कैमरा बड़ा अच्छा देख रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले ही बताया कि कलर से उसको कोई कंसर्न होता नहीं है, ठीक है, वो व्हाइट लाइट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो
कलर कैमरा जो वो उसको हम कहते हैं डे नाइट कैमरा। डे नाइट कैमरा दोनों दुनिया में काम कर रहा होता है, दिन के टाइम वो डे कैम वो कलर कैमरा बन जाता है, रात के टाइम वो मोनोक्रोम बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा मैं एक और एक रूल ऑफ थंब बताऊं मैं आपको, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर क्या है, अगर हम मोनोक्रोम कैमरे की बात करते हैं और हम डे नाइट कैमरे की बात करते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि मुझे डे नाइट कैमरा लगाना है या फिर मुझे मोनोक्रोम लगाना है? जिस जगह पे इतने अंधेरे में, जिसमें आपका, बल्कि कलर कैमरा भी छोड़े मैं आपको बताता हूँ। हाँ सही, देखें जी, अगर आपकी आंख, जिस आप एक जगह पे गए और आपने ये चीज़ देखी कि यार यहाँ पे लाइट कितनी है, क्या आया आपकी आंख देख सकती है उस अंधेरे में? अगर आपकी आंख देख सकती है तो आप डे नाइट कैमरा लगा देंगे। अगर आपने ये चीज़ महसूस कर लिया कि नहीं जी ये तो घुप अंधेरा है और मैं यहाँ पे नहीं देख सकता, तो आपने क्या करना है, आपने मोनोक्रोम कैमरा लगाना है। ये रूल ऑफ थंब है, या मतलब यही यूं ही देख के सिलेक्शन होती है डे नाइट कैमरे की और नाइट कैमरे की। ये बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है, और अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार डे नाइट कैमरा, वो नाइट डे नाइट कैमरे को भी वो मोनोक्रोम समझते हैं, हालांकि उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे फ़र्क आता है, ठीक है। एक कहलाता है लो लाइट कैमरा, एक कहलाता है नो लाइट कैमरा। तो ये डे नाइट कैमरा लो लाइट कैमरा होता है, और जो आपका मोनोक्रोम होता है ना, वो आपका नो लाइट कैमरा होता है, ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स की मैं बात कर रहा था, तो ये आपको ये चीज़ पता चल गई, कलर कैमरा पता चल गया, मोनोक्रोम कैमरा पता चल गया। मोनोक्रोम को हम ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा क्यों कहते हैं, क्यों मोनो कहते हैं, एक को क्रोम कहते हैं कलर को, तो एक कलर वाला कैमरा आपका ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा कहलाता है, ठीक है जी। तो सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स की हम बात करते हैं। अब हुआ क्या, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई जो बजटिंग और डिजाइनिंग के साथ हुई, कि हम लोग जब सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स की बात करेंगे तो फिर हम लोग आखिर किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखेंगे? तो फिर हमें पता ये चला, हम लोगों ने फिर दोबारा एक वर्कआउट करना शुरू किया, मतलब हम लोगों ने नहीं, इंजीनियर्स ने, बहुत जो थे यार जिन्होंने कैमरा शैमरा बनाने के लिए बैठे थे, दिमाग जोड़ा उन्होंने, और उन्होंने आखिरकार तीन फैक्टर्स को उन्होंने सोचा कि ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने इन तीन फैक्टर्स का ख्याल कर लिया तो फिर आप ये समझ जाएं सीसीटीवी कैमरा की बेसिक्स, और आप ये समझ जाएं, बल्कि अगर आप कहीं पे जाते हैं और आप ये चीज़ सोचते हैं कि राइट स्पेसिफिकेशन के साथ अगर मैं एक राइट सीसीटीवी कैमरा को चूज़ करता हूँ ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं पहले बता रही हूँ, मुमकिन नहीं है कि अगर कोई बंदा जाए और वो सही सीसीटीवी कैमरा की सिलेक्शन कर ले, उसकी सही स्पेसिफिकेशन के साथ कर ले, तो ये एक आइडियलिज्म है जो कि आप कभी अटेन नहीं कर सकते, कभी अचीव नहीं कर सकते। हाँ नियर अबाउट आप पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको हमें खातिर में लाना पड़ता था कि जो है ना, ये भी देखो, वो भी देखो, ये भी देखो। तो फिर हुआ क्या कि हम लोग ने सोचा क्यों ना हम तीन मेजर ऐसे फैक्टर्स को देख लें जिसके में सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट आ जाए, 99.99 हम लोग सही सिलेक्शन कर लें। तो वो तीन चीज़ें क्या थी, पहली चीज़ जी आ गई इमेज सेंसर। इमेज सेंसर क्या है अभी बताता हूँ जी। दूसरी चीज़ आ गई जी लेंस, और तीसरी आ गई जी इमेज प्रोसेसिंग सर्किट्री। अब इमेज सेंसर क्या होता है, ये जो सेंसर होता है ना, ये क्या करता है, आपके ऑप्टिकल सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ऑप्टिकल सिग्नल क्या होता है, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जिसके अंदर लाइट आ जाए, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सिग्नल, लाइक फाइबर ऑप्टिक, उसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपकी आंख का मसला आता है तो आप ऑप्टिक्स के पास जाते हैं। आप ऑप्टिक्स के पास क्यों जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो है ना आपके, आपको कम नज़र आ रहा होता है, क्योंकि कम ज़्यादा रोशनी के ऊपर आ गई ना, लाइट के ऊपर बात आ गई, ठीक है, आपको कम नज़र आ रहा होता है, तो फिर आप चश्मा ले लेते हैं जी, ऑप्टिक्स कहलाता है वो। इसी तरीके से सेंसर क्या करता है, आपका कैमरा जो होता है ना, वो लाइट को गैदर कर रहा होता है, जितनी अच्छी लाइट होगी उतना अच्छा इमेज आएगा। आपने कभी देखा होगा, आप जब अक्सर शादियों में या कहीं पे किसी ऐसे इवेंट्स में, या मैं सेरेमनीज कहूँगा, तो जब तस्वीर खींच रहे होते हैं, आप कहते हैं यार पीछे लाइट पड़ रही है, तुम्हारा चेहरा इतना साफ नहीं आ रहा, तुम एक काम करो लाइट के सामने आ जाओ। क्यों करते हैं ये, इसी वजह से करते हैं ना, लाइट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा इमेज आएगा, ठीक है जी। इमेज सेंसर आपकी समझ में आ गया, इमेज सेंसर क्या कर रहा होता है, वो आपके ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेंस क्या होता है, लेंस लेंस बेसिकली क्या करता है, सिंपली आपके एनवायरनमेंट से ना गैदर करता है लाइट को, इट सिंपली गैदर्स द लाइट, ठीक है। लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट्स को गैदर करके आपके सेंसर के पास भेज देगा, बस ये करेगा। लेंस क्या कर रहा होता है, लेंस सिंपली गैदर करता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर से लाइट को, जितनी ज़्यादा अच्छी लाइट होगी उतना ज़्यादा अच्छा इमेज बनेगा सेंसर के ऊपर। ये लेंस ही है जो रिफ्लेक्ट लाइटों को पकड़ के आपके सीन से भेजता है, वो भाई जाओ सेंसर के ऊपर अपना इमेज बना लो, ठीक है। लेंस ना हो ना तो सेंसर बेकार है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, समझ लें सेंसर बादशाह है ना, तो ये वो हैं उसके जियाले जी, वो जाते हैं और
लेकर आते हैं, ठीक है जी। लाइक लाइट को कौन लेकर आता है सेंसर के पास? लेंस लेकर आता है। इमेज प्रोसेसिंग सर्किटरी, इमेज प्रोसेसिंग सर्किटरी क्या करती है? ये आपके सिग्नल को ऑर्गेनाइज करती है, ऑप्टिमाइज कर देती है, एफिशिएंट कर देती है यानी, और फिर ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। चलें जी, आपको एक फार्मूला भी पता चल गया, वो फार्मूला क्या है? एमसी डोरी। चलें शाबाश, मुझे बताएं एमसी डोरी क्या है, अभी आपने पढ़ा है। मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। तो जिस तरीके से आपने सीसीएनए के दौरान आपने पढ़ा होगा ना, वो जो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, इसी तरीके से ना एक ये भी है एमसी डोरी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सीसीटीवी लगाने का मकसद क्या है, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि एमसी डोरी, एमसी डोरी का मतलब ये है कि मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा, डिटेक्शन, रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, ये तीन स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, समथिंग इज हैपनिंग इज कॉल्ड डिटेक्शन, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग इज कॉल्ड रिकग्निशन, और हु इंडल्ज इन द एक्टिविटी इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। कुछ हुआ है डिटेक्शन, क्या हुआ है एग्जैक्टली रिकग्निशन, कौन कौन इन्वॉल्व था उस एक्टिविटी में, आइडेंटिफिकेशन। फॉर्मूला भी जी आपको पता चल गया, तो आज हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। ले जी, कैमरा भी आ गया इतना बड़ा सा। ये जो देख रहे हैं ना, ये चीज़ आपकी लेंस है, ये लेंस है, ये यहाँ से समझ लें कि ये यहाँ एनवायरनमेंट से जो है ना, थोड़ा पता नहीं रुक रुक के चल रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्यों, मगर खैर, ये आपके एनवायरनमेंट से जो है ना लाइट को कैप्चर करता है और सेंसर के पास भेजता है, फिर सेंसर ही आपका इमेज बना रहा होता है, ठीक है जी। तो यहीं तक आज हम अपना लेक्चर को रखते हैं, हम लोग फिर आगे अब डिटेल में देखेंगे कि इमेज सेंसर क्या करता है, फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे लेंस क्या करता है, फिर हम लोग देखेंगे सर्किट्री क्या करती है, फिर उसके बाद, अभी हम लोग ने ये चीज़ नहीं देखनी, अभी जितना कराया ना, बस आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि सीसीटीवी लगाने का मकसद क्या था, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ठीक है जी। केबल का आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ दूँ, मगर रहने दें, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है जी। मैं आपको अगले ही लेक्चर में करूँगा, जिस वक्त केबल का टॉपिक आएगा ना, मैं उस वक्त आपको समझाऊंगा, तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में भी आ जाएगा और आप याद भी रख सकेंगे, ठीक है जी। तो सीसीटीवी कैमरा बेसिक्स हमने देख ली, कि उसके कैमरा के स्पेसिफिकेशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो भी देख लिया हमने, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कैमरा बेसिक्स में आती हैं, जिसके हम सही स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन में हमें मदद देती हैं। उसके अलावा हमने बजटिंग और डिज़ाइनिंग भी देख ली, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसको सुनिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग कंपेटेबल रहें जी, पहला लेक्चर हो तो फिर दूसरे जब लेक्चर पर पहुँचे तो पहला वाला याद रहे, ऐसा नहीं कि जी पहला वाला भूल गए, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।